नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जाने ये नियम। जमीन व फ्लैट रजिस्ट्री के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बिहार के 50 स्टेशन। इन लोगों के लिए पैन आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं। पंजाब किंग्स से बदला लेने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जमीन व फ्लैट रजिस्ट्री के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा बिहार में जमीन व फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। बता दें कि संशोधन विभाग की ओर से लगभग 1.5 दशक बाद किया गया है। बता दें कि किए गए इस संशोधन के तहत अब राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट और मुफस्सिल सब रजिस्ट्रार को बिहार रजिस्ट्रेशन नियमावली 2023 लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत अब अगर राज्य में जमीन व फ्लैट के लिए जो भी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे वे सरकार से तय मॉडल डीड के प्रारूप में रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले कातिब अपनी भाषा में अपने अनुसार जमीन या फ्लैट से जुड़े दस्तावेज तैयार करते थे। बता दें कि अगर दस्तावेज को मॉडल डीड के रूप में तैयार किया जाता है तो रजिस्ट्री में होने वाली हेराफेरी को रोका जा सकेगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बाबा कारू धाम के बारे में। बाबा कारू धाम सहरसा का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह जगह बाबा कारू को समर्पित है। यह एक प्रसिद्ध संत थे। यह एक शिव भक्त थे और उन्होंने अपना जीवन गायों की सेवा में समर्पित किया था। बाबा कारू धाम सहरसा में कोसी नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर मंदिर देखने के लिए मिलता है। मंदिर में बहुत सारे देवी देवता विराजमान है जिनके दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आकर कोसी नदी का दृश्य को देखने के लिए मिलता है जो बहुत सुंदर रहता है। यह जगह सहरसा जिले में महिषी प्रखंड में स्थित है। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। आपको यहां आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। यहां पर आपको हनुमान जी और शंकर जी की बहुत सुंदर मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। यहां पर श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है। चौथे कृषि रोड मैप में पशुपालकों के प्रशिक्षण पर जोर। राज्य में पशुधन का विकास हो सके इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप में पशुपालकों के प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए 4 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। बता दें कि पशुपालकों के प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए विभाग की ओर से पशुपालक चौपाल, साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक और प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए पशु चिकित्सालयों में किसान गोष्ठी, विभाग की दीवारों पर पेंटिंग, पशुपालन प्रतियोगिता आदि भी आयोजित की जाएगी। विभाग के अनुसार पशुपालन विस्तार सेवाओं के प्रसार में सुधार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए राज्य स्तर पर एक मीडिया सेल का भी गठन किया गया है। बता दें कि विभाग के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप में आधुनिक पशुपालन तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में शुरू होने जा रही अग्निवीर भर्ती रैली। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप अग्निवीर सैनिक बने तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 16 जून से 28 जून तक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान स्थित आर्मी भर्ती केंद्र के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली होगी, जिनमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं। बता दें कि इस भर्ती रैली में उन्हें अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच की जाएगी जो लिखित परीक्षा पास कर चुके होंगे। मालूम हो कि इस दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन से लेकर चक्कर मैदान तक पुलिस की तैनाती की जाएगी। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा में आने वाले अभ्यर्थियों को सेना की ओर से बिस्किट और जूस दिए जाएंगे और इसके साथ ही 2 स्थानों पर कॉफी मेकर मशीनें और ग्लूकोज पैकेट और बर्फ की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि इस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बीम, जिग जैग आदि तरह की परीक्षा देनी होगी। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बिहार के 50 स्टेशन। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारतीय रेल के 728 रेलवे स्टेशनों को आउटलेट से कवर किया गया है। इसी कड़ी में इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिहार राज्य के भी 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद के आउटलेट से कवर किया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा दिया जाता है और स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाए जाते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत नए लोगों के लिए स्वरोजगार का एक नया अवसर पैदा हुआ और वे आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। गया निवासी एक स्टॉल संचालक ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्वरोजगार से जुड़े छोटे कामगारों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए गया जैसे अति व्यस्तम रेलवे स्टेशन पर अपने लोकल उत्पाद को बेचने एवं प्रचार प्रसार का बड़ा असर मिला।
एक बार फिर इस महीने बिहार आएंगे बाबा बागेश्वर। इन दिनों बिहार पूरी तरह से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा में डूबा हुआ है। बता दें कि 13 मई से बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर के तरेत पाली में शुरू हुए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमंत कथा का आज 5वां और अंतिम दिन है। ऐसे में उनके भक्तों के लिए एक खुशखबरी की बात है। दरअसल एक बार फिर से बिहार में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने वाला है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बाबा अब अगली बार बिहार सितंबर महीने में आने वाले हैं। हालांकि अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि वह किस दिन बिहार आ सकते हैं, लेकिन हां ऐसा जरूर ऐलान किया गया है कि वह सितंबर महीने में एक बार फिर से बिहार आएंगे। मालूम हो कि बाबा के लाखों भक्तों को उन तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा बागेश्वर का अगला दरबार बिहार में धर्म और मोक्ष की नगरी गया और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में सज सकता है। आज से इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जाने ये नियम। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 17 मई से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 26 मई तक चलेगी। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार को फॉर्म भरने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। बता दें कि आवेदन के लिए छात्रों को 350 रुपए शुल्क के रूप में देने होंगे। वहीं वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा CBSE और अन्य राज्य बोर्ड से उत्तीर्ण किया है वे फॉर्म संख्या 6 और 8 भरेंगे। इसके साथ ही बिहार बोर्ड के छात्रों को केवल उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि भरना है। बाकी जानकारी और प्राप्तांक आवेदन प्रपत्र में अंकित रहेगा। वही CBSE या अन्य बोर्ड के छात्रों को सारी जानकारी भरनी होगी। दाखिले के लिए छात्रों को कम से कम 10 स्कूलों का और अधिक से अधिक 20 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। वही अगर छात्रों को नामांकन के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वे हेल्प डेस्क का नंबर 0612223000 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में एनएच पर होती है 42.6% सड़क दुर्घटनाएं। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 42.6% सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ नेशनल हाईवे यानी कि एनएच पर होती है। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना घटित होती है उनमें एनएच संख्या 2, 28, 30, 32 और 57 है। मालूम हो कि इन सभी एनएच पर सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लगाया जा सके और तेज रफ्तार और ई चालान प्रणाली की शुरुआत की जा सके, इसके लिए सभी स्थानों पर 17 इंस्पेक्टर वाहनों की तैनाती की गई है। मालूम हो कि सभी बातें एडीजी के द्वारा पुलिस मुख्यालय के सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अरुण कमल के बारे में। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न और काव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। अरुण कमल साठोत्तरी लेखन का अराजक दौर चूक जाने के बाद सक्रिय प्रमुख कवियों में से एक है। कविता की वापसी वर्ष के रूप में प्रख्यात 1980 में उनकी पहली पुस्तक अपनी केवलधार प्रकाशित हुई और इसी पुस्तक ने उन्हें समकालीन दौर के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित कर दिया। इन्हें 1980 में भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, 1989 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1990 में श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, 1996 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में शमशेर सम्मान और 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार का लाल कैलिफोर्निया में करेगा भारत का नुमाइंदगी। बिहारवासी न केवल अपने राज्य और अपने देश में बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बता दें एक बार फिर से बिहार के एक लाल ने विदेश में देश और राज्य का नाम रोशन करने का काम किया है। बता दें कि हम जिस बिहार के लाल की बात कर रहे हैं वह बिहार के मसौरी के कादरगंज थाना के कल्याणपुर मुसहरी निवासी गौतम है। मालूम हो कि गौतम का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में जुलाई में आयोजित होने वाली 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किया गया है, जहां वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए पूरे विश्व भर से मात्र 20 लोगों का ही चयन किया गया है, जिसमें एक गौतम भी शामिल है। इस बात की जानकारी उद्यमी और डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक एवं CEO शरद विवेक द्वारा ट्वीट के जरिए दिया गया है। गौतम के पिता मजदूरी करते हैं और फिलहाल गौतम हरियाणा में रहता है और कंप्यूटर साइंस में द्वितीय वर्ष का छात्र है। तेल्हाड़ा म्यूजियम के लोकार्पण के लिए इस दिन नालंदा आएंगे मुख्यमंत्री।
26 अक्टूबर 2021 को बिहार के नालंदा स्थित तिलहारा म्यूजियम का निर्माण कार्य 9.13 करोड़ रुपए की लागत से 25 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो चुका है और अब म्यूजियम को पूरी तरह से स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ऐसे में अब इस म्यूजियम के शुभारंभ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी 21 मई को नालंदा पहुंचने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस म्यूजियम के निर्माण को लेकर तिलाधक विश्वविद्यालय के भवनों की प्राचीनता को समावेश किया गया है। मालूम हो कि तिलहारा टिल्हे की खुदाई में कई प्राचीन सामग्रियां मिली हैं जिसे रखने के लिए इस म्यूजियम का निर्माण किया गया है। वहीं अब एक बार फिर यानी कि तीसरी बार तिलहारा टिल्हे की खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने की बड़ी पहल। केंद्र सरकार की ओर से रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 1,275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बता दें कि अब इसी योजना के तहत रेलवे के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी स्टेशनों पर एक ही तरह की साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। बता दें कि रेलवे की ओर से मॉडर्न स्टैंडर्ड साइन के तहत काम किया जा रहा है जो दिव्यांग फ्रेंडली होगा। मालूम हो कि साइन बोर्ड को लेकर रेल मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि सभी तरह के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इन स्टैंडर्ड साइन बोर्ड पर सरल और आसान दिखने वाले फॉन्ट और रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। 100 करोड़ से बिहार के 3 नदियों पर बनेंगे पुल। बिहार के 3 नदियों पर 100 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि यह पुल बिहार के जिन 3 नदियों पर निर्माण की जाएगी उनमें दरभाषा नदी, बड़ुआ नदी और उड़नी नदी के नाम शामिल है। मालूम हो कि इन पुलों के निर्माण को लेकर बहुत जल्द ही DPR भी तैयार कर लिया जाएगा और साथ ही पुल निर्माण के लिए एजेंसी का भी चयन कर लिया जाएगा। बता दें कि नदियों पर पुलों के निर्माण होने से उन लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी जो देवघर जाते हैं। मालूम हो कि 86 करोड़ रुपए की लागत से कांवड़िया पथ सुल्तानगंज डुम्मा के बीच पड़ुआ नदी और भागलपुर अमरपुर बांका SH-25 के उड़नी नदी पर हाई लेवल RCC ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। वहीं 14.26 करोड़ रुपए की लागत से कांवड़िया पथ सुल्तानगंज देवघर स्टेट हाईवे 22 के 75.82 किलोमीटर पर स्थित दरभाषा नदी पर भी बनेगा। NCERT करेगा बिहार में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों की समीक्षा। 18 मई से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCERT के द्वारा 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें उनके द्वारा बिहार में अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अत्याचार के मामलों की समीक्षा की जाएगी ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। बता दें कि इस 2 दिवसीय बैठक का नेतृत्व NCERT के अध्यक्ष विजय सांपला के द्वारा की जाएगी जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मंत्रालय के प्रधान सचिव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि 18 मई की एक बैठक के बाद NCERT के द्वारा एक और बैठक अनुसूचित जाति कल्याण संघ और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा की जाएगी जिसमें अनुसूचित जाति के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बिहार में दुरुस्त होंगे क्रिकेट संसाधन। बिहार में BCCI क्रिकेटिंग संसाधन को दुरुस्त करने में जुट चुकी है जिसके लिए इंडोर स्टेडियम, जिम और स्विमिंग पूल जैसे संसाधनों का निर्माण किया जा रहा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा चयनित स्थल का निरीक्षण निर्माण में लगे प्रतिनिधियों द्वारा बीते दिनों पटना पहुंचकर किया गया है। इस दौरान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के CEO मनीष राज, GM क्रिकेट सुनील सिंह और GM प्रशासन नीरज सिंह मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्य में BCCI द्वारा कई एजेंसियों का नियुक्त किया गया है। बिहार में अगले 3 दिनों तक सुहाना रहेगा मौसम। बिहार में झुलसा देने वाली गर्मी के बीच मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल रहा है। हवा की दिशा भी अब बदल गई है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी जिलों में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान पछिया हवा भी चलेगी जिसकी औसत गति 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बांग्लादेश व इसके आसपास एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों तक यही हालात रहेंगे। पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। हालांकि इसके बाद पछिया के प्रवाह से तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिणी जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान तापमान 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इन लोगों के लिए पैन आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं। पिछले काफी दिनों से कहा जा रहा है कि देश के सभी लोगों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। बता दें कि पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए अंतिम तारीख 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। यानी कि जो व्यक्ति 30 जून 2023 तक अपना पैन को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे उनके पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। बता दें कि
वे लोग जिन्हें पैन को आधार से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है उनमें असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग शामिल हैं। इसके साथ ही वे लोग जो आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक अनिवासी है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले लोग या फिर वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है। बिहार में अब डाकिया चिट्ठी ही नहीं बल्कि पहुंचाएंगे आपके घर का राशन। हम सभी जानते हैं कि डाकिया का काम चिट्ठी पहुंचाना होता है, लेकिन अब हम आपको बता दें कि अब डाकिया केवल चिट्ठी ही नहीं बल्कि आपके घर का राशन जैसे दाल, चावल, आटा आदि भी पहुंचाने का काम करेंगे। बता दें कि इसके लिए बहुत जल्द ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ समझौता किया जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए निदेशालय स्तर पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत जल्द इस सेवा को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस सेवा का लाभ न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक करार भारतीय डाक विभाग और कैट के साथ भी हुआ है और इस करार के तहत डाक विभाग बिहार सहित देश में लगभग 8 करोड़ कारोबारियों को रसद सेवाएं प्रदान करेगा। सूबे में बिना निबंधन चल रहे 25 लाख उद्योग। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 73वें राउंड के सर्वे से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की कुल संख्या 34 लाख है और इन 34 लाख उद्योग में से उद्यम मंत्रालय के पोर्टल पर केवल 6.39 लाख ही उद्योग निबंधित हैं, यानी कि बाकी बचे 25 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ऐसे हैं जो बिहार में बिना निबंधन के चलाए जा रहे हैं। बता दें कि राज्य के सभी तरह के उद्योग को पोर्टल पर निबंधन कराने के लिए उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक के द्वारा उद्योग निदेशक, सभी जिलों के महाप्रबंधक व उद्योग विस्तार पदाधिकारियों एवं अर्थ अन्वेषकों को निर्देश दिया जा चुका है कि वे अपने अपने क्षेत्र के उद्योगों का निबंधन कराएं, जिससे कि छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को लाभ मिल सके। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लिए नीति आयोग से नीतीश सरकार करेगी मांग। पिछले काफी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही जा रही है। वहीं अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि बहुत जल्द ही नीतीश सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीति आयोग के सामने अपनी मांग रखेंगे। बता दें कि इस बात की जानकारी जदयू के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी नीति आयोग की बैठक को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले नीति आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय ली जाती थी, लेकिन अब नीति आयोग कैसे काम कर रहा है वह सभी जानते हैं। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से केंद्रीय योजनाएं नहीं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा चुनाव के दौरान बड़े बड़े पैकेज की घोषणा की जाती है, लेकिन बिहार में कभी भी इस तरह की घोषणा या शिलान्यास और उद्घाटन नहीं हुआ। लालू यादव पहुंचे दिल्ली, बागेश्वर बाबा को लेकर कहा ये। बीते दिन शाम 4 बजे की फ्लाइट से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और वे दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। वहीं दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए जब वे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मीडिया के द्वारा उनसे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सवाल पूछा गया कि तेज प्रताप के द्वारा बागेश्वर बाबा को क्यों नहीं रोका गया। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वह कौनो बाबा है। वहीं जब उनसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा का सफाया शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन दिल्ली जाने के दौरान लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद थी। मालूम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लालू यादव दिल्ली अपने स्वास्थ्य कारणों से जा रहे हैं और इसके बाद वे अपने रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर भी जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में लालू यादव के परिवार या राजद की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। पंजाब किंग्स से बदला लेने उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स। आज आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में 64वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पंजाब टीम के दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि फिलहाल डेविड वार्नर की टीम दिल्ली प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, जिसके बाद अब वो पंजाब का खेल बिगाड़ सकती है। वहीं दोनों ही टीमें पहले भी एक दूसरे से टकरा चुकी है, जहां दिल्ली को हार झेलनी पड़ी और वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। इस समय पंजाब किंग्स की टीम 12 मैचें खेल चुकी है, जिसमें उसे 6 में हार मिली तो वहीं 6 में जीत का सामना करना पड़ा। मौजूदा समय में अंक तालिका में उसके 12 अंक है और नंबर 8 पर काबिज है। दिल्ली के 7 मुकाबले के बाद उसका एक और मुकाबला बचा हुआ है, इसलिए इन दोनों ही मुकाबलों को जीतना उसके लिए बेहद अहम है, तभी वो प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ पाएगी। ऐसे में आज का यह मैच बेहद ही रोमांच से भरा होने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए 1769 में बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत 1865 में हुई। सुनील गावस्कर ने 1987 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर 2007 में रावलपिंडी में शुरू हुआ। बिहार के परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह ने 2008 में नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया।
भारतीय बॉक्सरों ने 2010 में कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए। देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने 2010 में कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की। देश के मशहूर गजल गायक पंकज उदास का जन्म 1951 में हुआ। हिंदी सिनेमा के चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म 1953 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का निधन 2014 में हुआ। बालकर में आज हम बात करेंगे संचार साथी पोर्टल के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे में आज हम बात करेंगे संचार साथी पोर्टल के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हाँ, संचार साथी पोर्टल का हिस्सा है @DOT India मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पहल है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि इसके बारे में अधिक जानने के लिए sanchar-saathi.gov.in देखें। व्हाट्सएप पर अब आप अपनी पर्सनल चैट्स को कर सकते हैं लॉक। व्हाट्सएप पर अब आप अपनी किसी इंडिविजुअल चैट को दूसरों से छिपा सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने चैट लॉक फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। यदि अभी आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो आने वाले कुछ दिनों में ये आपको मिल जाएगा। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको उस चैट विंडो में जाना जिस पर आप लॉक लगाना चाहते हैं। इस यूजर को प्रोफाइल पर जाते ही आपको चैट लॉक का ऑप्शन मिलेगा। इसे ऑन करते ही आपने मोबाइल के लिए जो सिक्योरिटी सेटिंग ऑन की होगी वह इस चैट पर भी लग जाएगी। जिन चैट्स को आप लॉक करेंगे रखेंगे उनका नोटिफिकेशन कंटेंट मेन स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। नए मैसेज को पढ़ने के लिए व्हाट्सएप आपको सीक्रेट फोल्डर को ओपन करने के लिए कहेगा, जिसके बाद ही आप चैट्स को पढ़ पाएंगे। बीते दिन मदर पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने मदर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु गोलू कुमार, शंकर मुखिया, सुद्दाम हुसैन, कुश कुमार यादव, अतीक खान, सुरुचि कुमारी, अनवर करीम खान, अंकित कुमार, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकुमार, मोटू रंगीला, आलोक चौहान, रूपेश कुमार, रवि रंजन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप बागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र की मांग से सहमत हैं? आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।